शाह जी, जिस तरह से हमारे दीपक सिंह जी ने एक ग्रुप बनाया है पीजीएफ करके, प्लम ग्रोवर फोरम, तो उसमें काफी लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि हम प्लम की मार्केटिंग किस तरह से करते हैं। तो हम राजगढ़ में आए थे एक विजिट पे, तो यहाँ पे हमें एक फैक्ट्री आउटलेट मिला जहाँ पे ये प्लम की प्रोसेसिंग करते हैं। यहाँ पे मेरे साथ है जो भी फैक्ट्री आउटलेट है उसके इंचार्ज है, तो इनसे हम पूछेंगे कि ये जो क्षेत्र है इसका क्या नाम है और प्लम से ये क्या क्या चीजें बनाते हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे जो ये यहाँ पे एरिया है इसका क्या नाम है? यहाँ का नाम है भुईरा और इस फैक्ट्री का नाम है भुईरा जेम्स के नाम से है ये। गांव के नाम से ही रखा है भुईरा। तो यहाँ पे हम जैसे प्लम की बात करें तो प्लम से आप क्या क्या चीजें बनाते हो यहाँ? सर, हम प्लम से देखो स्पाइसी प्लम चटनी बनाते हैं, प्लम जेली बनाते हैं और प्लम का जैम बनाते हैं। अच्छा अच्छा और इसके अलावा कुछ और, जैसे अगर हम इसकी सेल की बात करें तो कहाँ कहाँ आप इसको सेल करते हैं? सर, सेल तो ये हिमाचल में भी है और दिल्ली, गुजरात, गुजरात वगैरह में काफी, मुंबई, चेन्नई, बहुत आगे तक। ओके, तो ये है बागवान भाई, आप देख सकते हो ये है जैम प्लम का, रेड प्लम से बना है। स्पाइसी। अच्छा, ये दूसरा चटनी है। ये चटनी, अच्छा, है। ये चटनी तैयार करते हैं। ओके जी, सिंगा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप किस तरह से ये सब जो प्रोसेसिंग है, आपका क्या व्यू है, पॉइंट है इस पे? देखो, जो हमारा प्लम का व्यू पॉइंट है, जब भारत में कोई प्लम के बारे सोचेगा, चाहे वो प्लम वाइन की बात कर रहे हैं, चाहे हम प्लम जैम की बात कर रहे हैं, चाहे प्लम चटनी की बात कर रहे हैं, तो जो पीजीएफ ब्रांड है वो सब लोग जब पीजीएफ ब्रांड को देखेंगे तो वो प्लम के बारे सोचेंगे। तो वो चाहे वो फ्रूट प्लम हो, चाहे जैम चटनी, तो हमें सारे जो हमारी लाइन जो बनेगी प्लम की, उसमें सारी चीजें आएंगी, फ्रॉम वाइन टू जैम टू फ्रूट, एवरीथिंग, एंड वी विल केटर द ब्रांड पीजीएफ टू पैन इंडिया। सो दैट इज द विजन ऑफ पीजीएफ ऑल्सो फ्रॉम द ब्रांड प्लानिंग पॉइंट। मतलब एक तरह से हम प्रोसेस करके मार्केटिंग कर सकते हैं। हाँ, इसकी बिल्कुल मार्केटिंग करेंगे और हर चीज की मार्केटिंग करेंगे, चाहे इसका जैम होगा, चाहे इसका वाइन होगा, तो हर जगह ये पीजीएफ ब्रांड होगा और हम इनको डिपार्टमेंट स्टोर में देंगे, तो एक अनदर ऑल्टरनेटिव फार्मर्स के लिए हो जाएगा। छोटे छोटे कैनिंग यूनिट्स और प्रोसेसिंग यूनिट्स भी आ सकते हैं और इस यूनिट को भी हम इनडायरेक्टली प्रमोट करेंगे बिकॉज ये भी प्लम में काम कर रहे हैं। ओके सर, परीक्षित जी, आप कुछ बोलना चाहे इस रिगार्डिंग, आपका यहीं आसपास जी है, तो आपका क्या व्यू पॉइंट है? भुईरा जैम फैक्ट्री राजगढ़ में स्थित है और मैं भुईरा गांव से रहने वाला हूं। तो जो हमारे ऑर्चर्ड में जो प्लम हो गया या पीच हो गया, एप्पल हो गया, जो हमारा जो मार्केटेबल जो होती है उसमें क्वालिटी, उसको प्रोसेसिंग करके उसको वैल्यूएशन करते हैं, तो उसमें काफी अच्छे हमें दाम मिल जाते हैं फ्रूट के। जो हमारा जो फ्रूट जो होता है वो, चाहे प्लम हो गया या एप्पल हो गया, हाँ जी हाँ जी, जो मार्केटेबल क्वालिटी नहीं होती है उसको हम प्रोसेसिंग के लिए दे देते हैं इनको। ओके, तो इसको अच्छे दाम मिल जाते हैं। ओके, और फार्मर को वो क्वालिटी भी मिल जाती है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।